हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके एग्जाम प्रेप। मैं आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट साइकोलॉजी की सीरीज लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी जितनी भी साइकोलॉजी की वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड की हैं, आप सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस कंटेंट का जो है वो फायदा ले सके, ठीक है। और जो है वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को भी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के हैं। जैसे आपको देख रहे होंगे, एक नजर दीजिए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक खंड यानी कि यूनिफैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक हमसे पूछा गया है कि एक खंड मतलब जिसका सिर्फ एक खंड है, इसी के कई नाम है हमारे पास, जैसे कि एक कारक जिसका एक सिंगल कारक है, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी। नाम आपको दिख रहा होगा, जैसे यहां पर यूनिफैक्टर लिखा है, तो ऐसा जो कारक जिसका सिर्फ एक, ऐसा जो हमारे पास बुद्धि का सिद्धांत है ये, जिसमें सिर्फ एक कारक है, वो किसने दिया है, जिसने हमारे पास सबसे पहले बुद्धि शब्द के बारे में बताया है, यानी कि जो हमारे नाम सबके जुबान पे है, बिने साइमन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बिने और साइमन, दो है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने एक खंड सिद्धांत के बारे में बताया है वो है अल्फ्रेड बिने, ठीक है। तो हम शॉर्ट में इन्हें सिर्फ बिने ही लिखेंगे। इनके जो सहयोगी हैं वो साइमन है, उनका नाम भी जो है वो, जो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग के बारे में बात करें तो उनका नाम भी वहां पर आता है, ठीक है। लेकिन एक खंड की बात करें तो वो बिने ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक, द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इनके साथ आपको जैसे और भी आप लोगों ने सुना होगा, कई क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बुद्धि से रिलेटेड बनते हैं। मैंने आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, एक पूरे टॉपिक को लेकर वो बात हुई है। जैसे ये पूरा जितने भी आपके पास 10 क्वेश्चन की सीरीज है, ये इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को ही कवर करती है, और वो भी उन्हीं क्वेश्चंस को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विकारक यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, टू फैक्टर थ्योरी। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, जिन्होंने टू फैक्टर्स के बारे में, यानी कि जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जी और एस फैक्टर जो हैं वो दिए हैं आपके पास स्पीयरमैन ने। सेकेंड नाम आता है हमारे पास स्पीयरमैन, इन्होंने जो है वो द्वि कारक या फिर टू फैक्टर थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक। अब जिन्होंने त्रिखंड यानी कि त्रितत्व, त्रिकारक, आप इनमें इन शब्दों को जोड़ सकते हैं, तो जो आपकी थ्री फैक्टर थ्योरी है वो भी किसने दी है, स्पीयरमैन ने ही दी है। ये दोनों थ्योरीज जो टू फैक्टर और थ्री फैक्टर है, ये स्पीयरमैन ने ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादक। जो बुद्धि की संरचना है यानी कि इसको हम और क्या कह सकते हैं, जो बुद्धि की संरचना है इसे त्रिविमीय भी कहेंगे हम। त्रिविमीय यानी कि इसकी कितनी विमाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, तीन हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय। तो ये किसने दी है, ये दी है जेपी गिलफोर्ड ने, गिलफोर्ड या फिर गिलफोर्ड आप यहां पर बात कर सकते हो, जेपी गिलफोर्ड ने दी है बुद्धि की संरचना के सिद्धांत, या फिर ये पूछा जाए कि त्रिविमीय संरचना के प्रतिपादक कौन है, जेपी गिलफोर्ड ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुबुद्धि का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें बहुत सारी बुद्धियों के बारे में बात हुई है। देखो इनके अलावा और भी है लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इस सीरीज में हमने उन्हें कवर नहीं किया है। जैसे आपके पास समूह बुद्धि भी आती है, बहुबुद्धि भी आती है, तो बहुबुद्धि को ही समूह बुद्धि नहीं कहेंगे हम, ये अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, तो वो है आपके पास हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना लिखूंगी, जो गार्डनर हैं इन्होंने जो है वो 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, ठीक है। कितनी प्रकार दिए हैं इन्होंने, 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है।
जैसे हम कुछ के नाम बताएं अगर, तो हमारे पास प्रकृतिवादी बुद्धि आती है, आत्मव्यक्तिक बुद्धि आती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि आती है, संगीतमय बुद्धि आती है, कलात्मय बुद्धि आती है जो कला से रिलेटेड है ना। तो इस तरीके से बहुत सी बुद्धियों के बारे में इन्होंने बताया, यानी कि इन्होंने कितने प्रकार दिए हैं बुद्धि के, 9 प्रकार दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि है। अब एक प्रकार का नाम हम यहाँ पर कर लेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि उसमें कौन सी बुद्धि आती है, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें बोलने की क्षमता और शब्दों को समझने की क्षमता होती है, वो हमारे पास अध्यापक में वो गुण पाए जाते हैं। जैसे अब मैं आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन बता रही हूँ, तो अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं उस चीज का आंसर देने के लिए जो है वो क्या होंगी, तत्पर होंगी। मैं दे सकती हूँ जो क्वेश्चंस आपने बताए, जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है वो मैं बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में वो बुद्धि इस टाइम पे प्रेजेंट है, यानी कि अध्यापक में जो बुद्धि प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाषाई बुद्धि। क्या कहेंगे? भाषाई बुद्धि। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज इंटेलिजेंस। क्या होगी ये, जो लैंग्वेज इंटेलिजेंस है वो किस में प्रेजेंट होती है, टीचर में, हमारे पास जो वकील होते हैं लॉयर उनमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान में हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होती है। जो किसान है, अब देखिए वो खेतों में काम करता है, हमेशा किसके संपर्क में रहता है, प्रकृति के, यानी कि किसान में कौन सी बुद्धि प्रेजेंट होती है, प्रकृतिवादी। कौन सी होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि जो है वो किसान में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति अपनी योग्यता से परिचित होता है, यानी कि जिसको ये पता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या अच्छा है, मतलब वो अपने आप को समझता है। एक होता है जो दूसरों को समझता है, एक होता है जो खुद को समझता है। तो जो खुद को समझता है, जो खुद अपनी योग्यता से परिचित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। इसी को हम और क्या कह सकते हैं, आत्मव्यक्तिक बुद्धि, मतलब जो खुद को समझता है। अगर आत्मा आ जाए तब तो हमें आइडिया लग जाता है कि आत्म मीन्स खुद, ठीक है। लेकिन अगर अंतराए और अंतराए, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो होती है, इन दोनों में सब सोचते हैं कि अंतर मीन्स अपने अंतर, नहीं ऐसा नहीं है। जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है इसका मतलब है कि आप दूसरों को कितना समझते हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं। लेकिन अंतरा व्यक्तिक बुद्धि होती है जब आप खुद को समझते हो, अपने आप को कितना समझते हो, ठीक है। तो जिस व्यक्ति में अपनी योग्यता से परिचित होने की क्षमता हो उसे हम क्या कहते हैं, अंतरा या फिर आत्म व्यक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट हमारा 2nd लास्ट क्वेश्चन है, विनी साइमन बुद्धि परीक्षण कब किया गया था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो बुद्धि परीक्षण है वो बिने और साइमन दोनों ने किया था, कब किया था, तो उसकी डेट है हमारे पास 1905, यानी कि 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र कैसे हम जानते हैं, अगर हम इसे लिखें तो इसे हम क्या लिखते हैं, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। इसका क्या अर्थ होता है, MA होता है मेंटल एज, मेंटल एज का मतलब हुआ जो उसकी मानसिक आयु है वो, और जो CA है उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज हो गई जो उसकी क्या है, वास्तविक आयु है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि जो उसकी वास्तविक आयु। जैसे मैं कहूं कि मेरा आईक्यू जो है, सपोज मैं ऐसे ही काउंट उस पे बता रही हूं कि मान लो मेरा आईक्यू जो है वो 110 है ना, 110 है, तो 110 क्या है हमारे पास, एवरेज है, मैं ऐसे लेके चल रही हूँ एवरेज है। लेकिन जो मेरी एज है, सपोज मैं हूं जो है वो मैं कहती हूँ कि मैं 18 इयर्स की हूँ, है ना,
तो कैसे निकलेगा हमारा आईक्यू की बात कैसे निकलेगी, जो ब्रेन की एज है यानी कि जो मेंटल एज है, जो टर्मन ने हमारे पास एक चार्ट दिया है उसमें हमारे पास पूरी एज बताई है। तो 110 मैंने कहा मेरी मेंटल एज है, 18 मेरी क्रोनोलॉजिकल यानी कि रियल एज है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारा आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चेंट जो है वो हमारे पास निकल जाएगा। तो आज हमने जो है अपने टॉप 10 जो है इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को डिस्कस किए। आई होप यू लाइक इट और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज पे ही ये वीडियोस चली हैं, जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा ये वीडियोस इसी जो टाइप से आपके पास डेली आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है तो इन सीरीज को मुझे बंद करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।